दोस्तों मैं सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं सेम यही डिज़ाइन आपको फुल स्टिचिंग करके दिखाऊंगा। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो ये जो हम आपको बताएंगे पॉकेट किस तरीके से बनती है डिज़ाइन वाली, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्टिंग का भी लिंक मिल जाएगा। मैंने पेस्टिंग किस तरीके से की है डिज़ाइन का जो है बंडी, आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कीजिए और आपको जो है पेस्टिंग का मिल जाएगा वीडियो। और इस वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल आराम से शांति से आप देखें। एक बार में ना समझ में आए तो आप जो है दो चार बार देखें, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो है अपना बुकरम देख लेंगे कितना चौड़ा बुकरम है, आधा इंच एक सूत मेरा चौड़ा है। तो मैं सेम वही जो है मार्कर लगा देंगे आगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है स्टिचिंग करेंगे चौड़ा तो पॉकेट ख़राब हो सकती है। आप जो है पॉकेट बनाते समय बिल्कुल शांति से बनाएं, क्योंकि फर्स्ट बार में बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो वीडियो को पूरा देखें एक बार ना तो दो बार देखें, या वीडियो देख देख कर आप जो है स्टिचिंग करें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि पॉकेट पे ही खूबसूरती होती है बंडी की। पॉकेट को बिल्कुल आप आराम से बनाएं। इसमें पूरा अच्छी तरीके से हमने पॉकेट बनाने का फॉर्मूला और जो है सिलाई करके मैंने बताया है।
अब जो है पॉकेट कट करेंगे, तो ये कट करते समय देखिए जहाँ पे सिलाई है सेम उतना ही कट करनी है, इससे ज़्यादा कट करने से जो है पॉकेट ख़राब हो सकती है। दोनों साइड जो है बराबर स्टिचिंग होनी चाहिए और कट भी बराबर होनी चाहिए। अब जो है इस पर हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने से ही जो है हमारी खूबसूरती आती है। तो आप जो है एक पॉकेट बनाएं और उसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी बंडी जो है एक सिलाई होती है और प्रेस होती है, तभी जाके जो है खूबसूरती बढ़ती है। हम आपको एक और बात बता दें कि जितना आप जो है स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करें, तो उसे प्रेस से जो है आराम से बैठाते चलें, इससे आपकी बंडी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबे हैं और नीचे जो है आपको रेड बटन दिख रही है, तो उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है आपको हर एक डिज़ाइन मिल पाएगी, नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो हमारे वीडियो को आप जो है मिस नहीं करना चाहते हैं, डिज़ाइन मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक तो बनती है दोस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर करें, और आपको जहाँ दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस दिक्कत को आपको दूर करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा 100%।
तो मैं इसमें जो है एक वीडियो बनाकर जो है बताया हूँ पॉकेट बनाने के लिए। मैं तीनों जो है पॉकेट नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगी, तो मैंने एक पॉकेट ही बनाकर आप लोग को समझाई है। और जो है आप लोग तीनों पॉकेट जो है इसी तरीके से बना लें। ये देखिए बंडी के हमारे चारों तरफ जो है पाइपिंग लगेगी, ये पाइपिंग सूत्री है और हम जो है इसे पाइपिंग बनाएंगे तभी जो है चारों तरफ पाइपिंग लगेगी। तो अगर आपके पास भी ऐसा सूत्री नहीं है तो मार्केट में आराम से मिल जाएगी, या मोटे वाली ऊन से भी आप पाइपिंग बना सकते हैं। और हमारी जो बूट लगी है वो एक पैर की बूट है, ये बूट को आप ध्यान से देखें, एक पैर की बूट है। ये जो है आपको अमेज़ोन पे या मार्केट में आसानी से मिल सकती है, तो आप जो है इसे ख़रीदारी कर ले क्योंकि इससे जो है हमारी पाइपिंग बहुत खूबसूरती बनती है।
ये जो कपड़ा कट कर रहे हैं इससे जो है हमारी काज बनेगी। हाँ दोस्तों, इसी से जो है काज बनेगी। किस तरीके से बनेगी आप जो है आराम आराम से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, इसलिए जो है वीडियो को आप शांतिपूर्वक देखें या देख देख कर जो है अपना वर्क करें, इससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये जो हम पॉकेट के निशान लगाए हैं वो 4 इंची पे मेरी पॉकेट के निशान बैठ रही है, इससे आपको लंबाई ज़्यादा होगी तो आपको जो है 4.5 या 4.5 पर भी बैठ सकती है। इसमें जो बटन हम 5 लगाएंगे और ये मार्का लगा लेंगे कि हमारी काज जो है कितनी चौड़ी रहेगी, क्योंकि हमारी जो बटन बनेगी ना मशीन वाली सेम इसी कपड़े की बनेगी। तो ये देखिए, हम आपको जो है पाइपिंग लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो है आसानी से आप पाइपिंग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आप ऐसा ही डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा आप देखे हैं। तो आप जो है वीडियो को स्किप ना करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल शांति से आप 2-4 बार वीडियो को देखें, फिर जो है काम करने की कोशिश करें धीरे धीरे, और आप जो है वीडियो देखकर काम करें जहाँ पे भूल जाएं।
ये देखिए हम कट लगा रहे हैं, तो यहाँ कट लगेगी तो आसानी से जो है फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से फोल्ड हो जाएगी या पलटने समय जो है आसानी से जो है पलट जाएगी, हमारी पाइपिंग खूबसूरती से जो है दिखेगी। इस जॉइंट को जो है हम प्रेस से तोड़ लेंगे, और ये जो हमारा है बैक पल्ला, बैक पल्ला का जो है हम सिलाई कर लेंगे। इसमें जो है मार्जिन दी हुई है इसमें डबल सिलाई करेंगे। हम जो है इसमें वीडियो को थोड़ा ज़्यादा स्पीड कर दिए हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके समझ में नहीं आएगी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा जो है अरमोल है, तो इसे जो है हम उल्टा करेंगे। देखिए इसी तरीके से हम उल्टा करेंगे और सेम ऐसे ही जो है सिलाई करके पलट देंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको परेशानी होगी, आप जो है वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से सिलाई हो रही है और किस तरीके से पलटाएगी।
इस पर जो है आप सिलाई को ऊपर सिलाई डबल सिलाई करें, क्योंकि इसे मजबूती मिलेगी बंदी की और कभी खराब नहीं होगी। इसमें भी जो है हम कट कर देंगे, क्योंकि कट करेंगे तो जहाँ पे राउंड है वहाँ पे आराम से पलटेगी और जो है आराम से बैठ जाएगी। ठीक सेम वैसे ही दूसरे पल्ला को भी हम उल्टा करेंगे और उसे भी उसी तरीके से सिलाई करके जो है हम पलट देंगे। आप जो है शोल्डर से बीच से भी सिलाई कर सकते हैं दोनों साइड। ये दूसरे साइड के सिलाई जो है हम बीच से ही करके दिखाएंगे, क्योंकि बीच से सिलाई करेंगे तो आपको जो है ज्वाइंट बिल्कुल बराबर बीच में आती है। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारी चाक खुलती है, तो यहाँ पे चाक का निशान लगा लिया हमने 3 इंची, तो यहाँ से जो है हम उल्टी करके वहाँ से सिलाई मार देंगे। ये हमारी चाक है, तो आप दोनों साइड जो है सेम ऐसा ही सिलाई कर दें, क्योंकि हमारी बंडी में जो है चाक रहती है नीचे से 3 इंच की 2.5 इंच की। और आप एक बात का और ध्यान रखें, जहाँ पे कट लगा रहे हैं वहाँ पे कट आप भी लगाइए, क्योंकि कट नहीं लगाएंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगी और अच्छी तरीके से पलटेगी नहीं। ये देखिए ये किस तरीके से जो है आसानी से पलट चुकी है। ये देखिए आपको स्टिचिंग में दिक्कत होगी आप कट नहीं लगाएंगे तो। हमारी एक एक बात आप आसानी से सुनिए और फिर जो है आप वर्क कीजिए। ये देखिए इसमें भी जो है हम सेम वही सिलाई लगाएंगे, इसमें हमारी चाक खुलती है सेम ऐसे ही पलट कर। देखिए अब वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी स्टेप बाय स्टेप।
अब जो है हम साइड का सिलाई मारेंगे। तो ये देखिए साइड को हम किस तरीके से पहले रखेंगे कपड़े को। ये हमने जो है जहाँ पे ज्वाइंट होती है वहाँ पे बिल्कुल बराबर कपड़ा रखेंगे। ये देखिए आप बिल्कुल कपड़ा बराबर रखिए, इससे आपको जो है बड़ा छोटा पल्ला नहीं होगा। ये देखिए किस तरीके से जो है अस्तर वाला पल्ला उस साइड चली जाएगी। अस्तर का साइड अस्तर और मेन पल्ला का साइड मेन पल्ला दोनों मिल जाती है, इस बात को ध्यान में रखें। हमारी मेन कपड़ा जो है एक साइड हो जाती है और अस्तर जो है एक साइड होती है, यही सिलाकर पलटती है। अगर आपको दोनों एक साइड नहीं हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप अच्छी तरीके से नहीं पलट पा रहे हैं। तो आप जो है उसे अच्छी तरीके से पलटें, जिसमें अस्तर दोनों अस्तर जो है फ्रंट का और बैक का अस्तर दोनों एक साइड हो जाएगा और मेन कपड़ा जो है वह एक साइड हो जाएगा। ये देखिए ये मेन पल्ला का अस्तर आपको दिख रहा है और वो बैक पल्ला का अस्तर उसके ऊपर से जो है आएगा और आपका स्टिचिंग जो है आसानी से होगी। ये देखिए ये बैक पल्ला का अस्तर है, बिल्कुल फ्रंट पल्ला के अस्तर में आप सेट कर सिलाई हो रही है। ये पलटेगी तो अस्तर में अस्तर और मेन पल्ला में मेन पल्ला जो है दिखेगी। यहाँ पर हमारी चाक होती है, तो इस कपड़े को जो है थोड़ा जो बड़ा होता है हमारा कपड़ा उसे फोल्ड कर देते हैं और जो अस्तर थोड़ा ज़्यादा होता है उसे अंदर में कर देते हैं, क्योंकि कभी भी हम इसे बढ़ा सके तो इसमें तो डिजाइन वाला भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि पाइपिंग निकल चुकी है, ये फिक्स हो जाती है। आप साइड से जो है बिल्कुल डबल सिलाई चलाएं क्योंकि बहुत ही फिटिंग होती है, ये फिटिंग होती है इसलिए मजबूती इसमें ज़रूरी है, मजबूती नहीं होगी तो सिलाई टूट जाएगी और आपका बंडी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हम आपको सीधा करके जो है दिखा रहे हैं, पाट कर उसी तरीके से दोनों साइड के सिलाई लगती हैं।
दोनों साइड से मशीन सिलाई कर दो। ये देखिए हम पलट कर आपको दिखा रहे हैं, आप पलटने का जगह बता दें, जो गला होती है वहीं से पलटती है, गला तन से निकल जाती है सारा पल्ला। ये देखिए ज्वाइंट हमारी कितना बेहतरीन हुई है, देखिए ऊपर का और नीचे का ये चाक जो है हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए कितने बेहतरीन ज्वाइंट हुई है। तो अब ज्वाइंट ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बट नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये हमारे बैक पल्ला का जो चाक है उसे हम कैंची के नुकीले पॉइंट से या किसी कील वगैरह से हम इसे निकाल देंगे। तो हमारे बंडी का जो है फुल स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसमें बच गई है कॉलर, तो हम कॉलर भी कटिंग करके पेस्टिंग करके लगा कर आपको दिखाएंगे, पैपिन भी लगा कर दिखाएंगे कि कॉलर में किस तरीके से पैपिन लगती है। और ये देखिए हमारी जो है ये जो हालर है दोनों पल्ला को पकड़ के स्टिचिंग कर देंगे, अस्तर को भी और मेन पल्ले को भी पकड़ के जो है बीच से हम इसको स्टिचिंग कर देंगे, दोनों को एक दूसरे से चिपका देंगे। अब जो है हम कॉलर को नाप कर चेक करेंगे मेरा कॉलर कितना बैठ रही है। तो ये देखिए कॉलर अब इसी तरीके से नापिए, क्योंकि अच्छी तरीके से कॉलर नहीं नापिएगा तो बड़ा छोटा हो जाएगा, और बड़ा छोटा हो जाएगा तो आपको कॉलर नहीं बैठेगी, कॉलर नहीं बैठेगी तो आपको देखने में जो है खूबसूरती नहीं लगेगी, क्योंकि बंडी का मेन होता है पॉकेट और कॉलर। तो अब आपको जो है कॉलर काट कर दिखाएंगे, इसमें कॉलर कटिंग जो है हल्का तेज कर दिए हैं, इसका भी स्पेशल वीडियो हम बना कर डाल देंगे। तो यहाँ से जो है हमने 1.25 इंच ऊपर उठाया है और 1.5 इंची का मरकर लगाया है। यहाँ से आप कॉलर का जो है एक दो बार देखिएगा रिवाइज करके तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो चौड़ा है 1.5 इंच है, आगे भी हमारी 1.25 इंच चौड़ा है, बट 1.25 इंच उठाने के बाद में जो है हम ऊपर 1.25 इंच का मरकर लगाए हैं, 1.25 इंच का, सॉरी 1.25 इंच का नहीं, 1.25 इंच का, 1 इंच 2 सूत का। ये देखिए और यहाँ से हल्का राउंड कर देंगे। ये देखिए हमारी कॉलर का ड्राइंग जो है लग चुकी है, जिसमें पाइपिंग निकालनी हो उसमें थोड़ा ज़्यादा राउंड रहती है, और जिसमें जो है पाइपिंग नहीं निकालना उसमें हल्की सी राउंड रहती है या राउंड नहीं रहती है, हमारी नुकीले रहती है कॉलर ऊपर नीचे। ये देखिए हमारी कॉलर जो है कट चुकी है, इसे हम जो है पेस्टिंग करेंगे, कपड़े पर चिपका देंगे और फिर जो है मशीन पे इसमें पाइपिंग लगाएंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल आराम से देखें।
तो ये देखिए आपने वीडियो में देखी थी कि हमने पेपिन बना के रखा था और जहाँ पे हमारी पेस्टिंग चिपकी हुई है ठीक उससे एक सूत इधर सिलाई लगाएंगे, कॉलर पे सिलाई नहीं लगाएंगे सटाकर, एक सूत अलग सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब फाइनल सिलाई मारेंगे अस्तर देकर तो बिल्कुल चिपका कर सिलाई मारेंगे, उससे हमारी जो है पेपिन भी बिल्कुल फ्रेश निकलेगी और इसमें जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है दिखने में लगेगा, कोई इसमें झोल नहीं लगेगा। ये जो है अंदर से पहले जो है इसमें कॉलर हम चिपका देंगे बंडी में, बीच से ही आप सिलाई करें बंडी के बीच का जो सिलाई होती है वहाँ से, और कॉलर में अपने बीच का सेंटर का एक नोचिस लगा लें, कूट का लगा लें, फिर जो है आप आराम से घुमा घुमा कर जिस तरीके से राउंड है उसी राउंड से आप आराम आराम से घुमा कर लगाएं। ये देखिए हमारे कॉलर जो है लग चुकी है, कितना बेहतरीन लग रही है हमारी बंडी। अब ये देखिए कॉलर का जो है अस्तर हम किस तरीके से लगाएंगे, तो पहले जो है हम एक पैर का सिलाई फोल्ड कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि अस्तर भी इसमें लग ही चुका है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तो आपका हर नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और इसे जो है हम तुरपाई कर देंगे अस्तर को जो है, इसमें सिलाई ऊपर से नहीं दिखती है इसलिए जो है इसे हम हेम कर देंगे या तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए हम तुरपाई हो रही है, कितना बेहतरीन जो है हमारी बंडी दिख रही है। तो इसको हम बंडी को आपको दिखाएंगे कैसे दिखेगी।
और ये जो हमने काज बनाई थी और अस्तर से जो है ढक जाती है, तो उसे हम कट कर देंगे। जितना काज चौड़ी है उससे ज़्यादा हम कट करेंगे, एक सूत इधर और एक सूत उधर, और उसको सुई से नुकली पाँच सीधे हम उसको फोल्ड कर देंगे अंदर में है जो कटिंग होगी। फोचरा को अंदर करके जो है उसको चारों तरफ से हेम कर देंगे, तुरपाई कर देंगे, हमारी काज जो है बिल्कुल फिनिश हो जाती है। आप ऐसे ही ना हेम करें, जितना कटिंग करते हैं तो उसमें फुचरा होती है, उसको अपने नाखून से या सुई के नुकले पॉइंट से अंदर करके देखिए हम हेम की है। आप भी सेम ऐसे ही करें। देखिए हमारी सब जो है फाइनल हो चुकी है बंडे। तो हमारे वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारे डिजाइनिंग बंडी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को और शेयर करो जो सीखना चाहता है डिजाइनिंग बंडी उसके पास।